उत्तर प्रदेश बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन का आयोजन किया और आम जनता को अपने वोट के प्रति जागरूक किया और सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बसपा का कहना था कि मुस्लिम समाज संयोजक ने भाजपा सरकार में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, लूट, मर्डर जैसी घटनाओं से आम जनता को रूबरू कराया है। वहीं बसपा के पूर्व विधायक इकबाल ठेकेदार ने आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी का हवाला देते हुए आवाम से वोट की अपील की और नगर में विकास करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष विश्राम नवी आदि लोगों ने हिस्सा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन का आयोजन करते मुस्लिम समाज के लोग हैं जो 2019 के चुनाव को लेकर इस तरीके का सम्मेलन किया है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट।